आ गया। हाँ, अब 51 हो गया, 50 से भी एक नंबर ऊपर चला गया है। 51 का आंकड़ा है रुझानों का परिणाम जो है, 5 सीटों पर परिणाम बीजेपी के हक में है। उधर 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। 40+5 51 हो गए, 51 27 सीटों पर रुझान कांग्रेस के हक में है और 34 कुल सीटों पर कांग्रेस बढ़त में। तो कांग्रेस 34 सीटों पर है जीत मिलाकर, यानी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 27 सीटों पर लीड है कांग्रेस के उम्मीदवार। जीत में भले ही यहां पर आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा उनका कम होता जा रहा है। 36 पर काफी देर तक टिकी थी कांग्रेस, अब वो घटकर 35 हुई, फिर 34 हुई। वही दूसरी तरफ आप देखें कि बीजेपी के जो आंकड़े हैं हरियाणा के लिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 5 जीत हासिल हो चुकी है। प्रदीप नरवाल पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के, हैं भवानी खेड़ा से। एक और अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रदीप नरवाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शायद उनसे ये पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस के हैं ये और ये पीछे चल रहे हैं। वहीं संदीप सिंह जागल पीछे चल रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट हैं भवानी खेड़ा से, ये भी पीछे चल रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए मंजू धानक जो है वो आम आदमी पार्टी के, ये भवानी खेड़ा से पीछे चल रहे हैं मंजू धानक। तो इस तरह से लगातार जो आप देखिएगा कि जो भी अदर्स में आप देखिए तो 3 ही का आंकड़ा दिखता है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल 0 है, कहीं पर लीड भी नहीं है। वही जेजेपी भी 0 है, लीड भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा जो राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है, बिल्कुल वही बात सच होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें भरोसा बीजेपी आया है हरियाणा के लोगों ने, और चंद्रमोहन आगे हो गए हैं अब पंचकुला कांग्रेस से। देखिए कांग्रेस से है चंद्रमोहन, ये आगे हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी इसी पे बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या ये अंतिम राउंड में चीजें बदलेंगी, क्योंकि इसमें एक और राउंड की अभी काउंटिंग बाकी थी। तो पंचकुला से ये एक चौकारा, ये नतीजा, ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं पंचकुला से। बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है लगातार आगे पीछे होने का ये सिलसिला। लेकिन तमाम आगे पीछे होने की बातों के बावजूद आप देखिए जो ओवरऑल टैली है उसमें कहीं से कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। सुशील गर्ग पंचकुला से जेजेपी के उम्मीदवार है, ये भी पीछे चल रहे हैं। जेजेपी का अभी तक एक भी खाता नहीं खुला है, बल्कि लीड में भी जेजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। सोचिए क्या हुआ होगा, पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें लाई थी। ओम प्रकाश गुर्जर कालका से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अंतिम समय में यह फैसला लिया था कि वो तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। हालांकि अंतिम समय में ऐसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा। 5 से 6 सीटों पर बात बन गई थी, इसी बात कही जा रही थी। प्रदीप चौधरी कालका से हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, ये भी पीछे चल रहे हैं। हरियाणा का एक और अपडेट, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार है कालका विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं। तो ओवरऑल टैली आप देखिए 51, यानी कि 90 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने या तो बढ़त बना ली है या जीत उसे मिल गई है 5 सीटों पर। शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। शक्ति रानी शर्मा काफी इनको लेकर के भी जब इनके नॉमिनेशन की बात आई थी, जब इनके नाम की चर्चा हुई थी कि इन सीट इन्हें मिल रही है, तो वहां पर काफी कुछ सुनने को मिला था कि नाराजगी है खेमे में। बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन उन सबको मनाकर समझाकर अब ये तो तस्वीर सामने आ रही है, शक्ति रानी शर्मा अपनी सीट कालका से बीजेपी की सीट पर ये आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए हर लिहाज से अच्छी ही खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी अगर सत्ता बना लेती है, इसलिए अभी अगर का सब जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो आप आंकड़े नीचे देख रहे हैं टैली में वो अभी रुझान है, 46 पर लीड है, 5 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन ये हो सकता है कि बीजेपी इसी ट्रेंड को आगे बरकरार रखे और सत्ता तक पहुंच जाए। आदर्श पाल सिंह जगाधरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी का कोई एक भी उम्मीदवार फिलहाल ऐसा नहीं है जिसने बढ़त बनाई हो या रेस में वो दूसरे उम्मीदवारों से आगे चल रहा हो। हर जगह से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पीछे ही चल रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं लगातार। और आप देखिए इस तो तस्वीर फिलहाल है कांग्रेस का, जो अब जो डेटा है वो 34 पर आके अटक गया है। कांग्रेस 34, जिसमें से 9 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और 25 सीटों पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। अगर ये जो ट्रेंड है, ये जो अभी आंकड़े, ये अगर नतीजों में बदल भी जाए तो कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलने वाली, कांग्रेस को विपक्ष में रहना पड़ेगा जैसे पिछले 5 साल रहे या उसके पहले 5 साल रहे। इस बार बीजेपी की ही बारी है, जनता ने बीजेपी के वादों पर भरोसा किया है। कंवर पाल बीजेपी से उम्मीदवार है जगाधरी से, वो पीछे चल रहे हैं, जबकि अशोक कुमार भी आम आदमी पार्टी और अशोक कुमार भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये भी आप देखिए, सॉरी
पीछे जगाधरी से आईपीसी के कैंडिडेट है, ये भी पीछड़ नहीं है। लगातार ये आंकड़े आपको अब दिखा रहे हैं, जहां से भी अपडेट्स आ रहे हैं, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसने किसको बात दी। लेकिन इन सब के बीच बार बार ये कहा जा रहा है कि 51 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बना ली है और उसमें से भी 4 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। हार जीत के बीच जिसकी भी जीत होती है वहां खुशियां मनाई जाती है। आप देखिए जिस तरह से यहां पर आप तस्वीर पर देख रहे हैं, किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, जो कि आंकड़े जो है वो पल पल बदलते जा रहे हैं। कभी किसी की जीत चुकी, अब जो है अब ट्रेंड का लगभग समय खत्म हो चुका, अब जो भी ट्रेंड है वो अंतिम परिणाम की तरफ बदल रहा है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। तो ये कांग्रेस की जो भी टाली है 34 तक आके रुक गई है और बीजेपी 51 पर है। सीधा सीधा मैसेज, साफ संदेश है कि बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा करते हुए हरियाणा की जनता ने उन पर भरोसा किया और बीजेपी को सत्ता के साबी चाबी सौंपने जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, आपको अपने दे रहे हैं, दीवान चंद कंबोज ये अभी पीछे चल रहे हैं, रादौर से है बीच और ये अभी पीछे चल रहे हैं, इस पे इनको बढ़त नहीं मिल पाई है, लगातार पीछे है दीवान चंद कंबोज। और वही दूसरी तरफ आप देखिए रेणु बाला ये कांग्रेस से है, ये आगे चल रही है, ये साढ़ौरा सीट से है, रेणु बाला कांग्रेस उम्मीदवार साढ़ौरा सीट से ये आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। लेकिन क्या ये बढ़त जीत में बदलेगी, ये एक अहम सवाल है। साढ़ौरा से रेणु बाला कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रही है, कांग्रेस को उस तरह से जीत मिलती नजर नहीं आ रही है जैसा शुरुआती रुझानों में या ट्रेंड में दिखा था, या फिर जो एग्जिट पोल ने जो बताया था। जसबीर सिंह साढ़ौरा से पीछे चल रहे हैं, जसबीर सिंह साढ़ौरा से पीछे चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है पूजा नागरा साढ़ौरा से ये भी पीछे चल रही है। और ये जो तस्वीर है लगातार बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, ये बता रही है कि बीजेपी को अब आने से शायद कोई रोक नहीं सकता, बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी तीसरी बार लगातार वहां सत्ता में आ रही है। और इस बार जो बीजेपी ने जो एक कोशिश की थी, जो चेहरा बदला था, मनोहरलाल खट्टर को वहां उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मौका दिया था, नायब सिंह सैनी वहां से मुख्यमंत्री बनाए गए थे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने बातें कही थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें जो है शत प्रतिशत सच होती नजर आ रही है। अगर ये रुझान ये आंकड़े में बदल जाते हैं, जीत के आंकड़े बदल जाते हैं, तो बिल्कुल इसे कहना सही होगा कि जो नायब सिंह सैनी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी। घनश्याम दास यमुनानगर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यमुनानगर से काफी चर्चित है ये विधानसभा क्षेत्र भी, जमुनानगर से घनश्याम दास है ये इस वक्त आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए। और हमारे साथ स्टूडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश जी, हमारे बड़े सहयोगी। मुकेश जी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, अब क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस की उम्मीद यहां से क्या खत्म होती नजर आ रही है, क्या कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि वो अब ये जंग हार चुकी है, उसे विपक्ष में रहना है और मुद्दे उठाने? बिल्कुल, जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं उनसे तो यही साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 51 भारतीय जनता पार्टी जो सीट्स हैं उन पे आगे चल रही है या जीत हासिल कर ली है, कुल मिलाकर 45 और 46 का आंकड़ा 51 बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की बात करें तो 34 का आंकड़ा है जहां पर अटक गई है, 24 पर आगे चल रही है, 10 पर अभी जीत बना रही, और जितने राउंड सभी हो चुके हैं उसके मुताबिक लग नहीं रहा कि इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसने पिछली बार की तुलना में अभी जो आंकड़ा दिख रहा है 11 सीट्स का इसमें इजाफा हुआ है, जो आप कह सकते हैं एक बड़ी चीज़ है। एक चीज यहां पर बड़ा साफ संदेश दिख रहा है, देखिए आप जेजेपी का खाता नहीं खुला है, वो रुझान में भी नहीं है। आईएनएलडी जो है, जो कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सेक्शन जो है वो दलित वोटर्स का उनके साथ जुड़ जाएगा, उनके अपने वोटर होंगे तो कुछ कमाल कर देंगे, लेकिन ऐसा ये दिख नहीं रहा है। तो क्या ये संदेश बिल्कुल साफ है कि कोई पार्टी नहीं बल्कि सीधे सीधे या तो बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं दे रही, हालांकि जो पिछला वाला चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई थी, महज 40 सीटों पर सिमटना पड़ा था, जिसके चलते जेजेपी जिसकी 10 सीट्स आई थी पिछले इलेक्शंस में उसके साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि और विनेश फोगाट जीत गई है। ये बड़े आपके इस वक्त विनेश फोगाट जुलाना से जीत चुकी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट पहलवानी के अखाड़े से चुनावी अखाड़े में उन्होंने जीत हासिल की है। ओलंपिक्स में भले उन्हें गोल्ड ना मिल पाया हो, लेकिन चुनावी अखाड़ा में विनेश फोगाट 5,700 के करीब वोटों से जीत चुकी है, बड़ी जीत कही जाएगी ये विनेश फोगाट के लिए, पहलवान बिरादरी के लिए बड़ी जीत विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर लिया है। मुकेश जी, क्या माना जाए, विनेश फोगाट की जीत को कैसे देखेंगे आप?
देखिए विनेश फोगाट की जो जीत है, विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी चेहरे के तौर पे उतरी थी और जो इनका अट्रैक्शन था वो देखते ही बनता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में जो कई राउंड्स रहे उसमें लगातार जो पीछे भी पड़े और कृष्ण लाल मिड्डा भी जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये अगली ब्रेकिंग हम दे रहे हैं क्योंकि अब रुझान के बाद जो जीत है वो सामने आ रही है। डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जींद से जीते हैं, एक बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की। तो बीजेपी के जीत के खाते में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम न्यूज 18 के दर्शकों को दे रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना चुनाव जीत गए हैं। नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल कर ली है और नायब सिंह सैनी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि न सिर्फ ये कि वो उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है बल्कि अपने बयानों से और अपने धुआंधार प्रचार से, अपनी कोशिशों से उनको जीत का सेहरा इस बात का भी पहनाया जाएगा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार सत्ता तक पहुंचने का सफर पूरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपनी सीट लाडवा से चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर। हालांकि इनके बारे में यह भी बात हो रही थी कि वो करनाल से भी चुनाव लड़ेंगे, तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब किए माना जा रहा है कि क्या अगर वो करनाल से भी लड़ते तो जीत जाते। नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि कार्यवाहक सीएम है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर है और उन्होंने अपनी सीट पर जीत दर्ज कर ली, एक बड़ी जीत। मोराल जो है वो बड़ा उनका हाई हो गया होगा, जाहिर सी बात है। मुकेश जी, ये बहुत बड़ी जीत माना जाए क्या नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से फ्रंट से लीड किया? बनाई जा रही थी उसमें यह भी क्लेम किया जा रहा था कि जो नायब सिंह सैनी है उनकी खुद की सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक तो ये अपनी जीत दर्ज की है, साथ ही साथ ये जो आंकड़ा इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, इसका जो श्रेय है वो नायब सिंह सैनी को दिया जाना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि नायब सिंह सैनी को जो एक ये जो जिम्मेदारी दी गई थी, मनोहरलाल खट्टर को रिप्लेस किया गया था और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बहुत कम समय रह गया था, तब ये माना जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसे ऐसा एहसास हो गया है कि हम इस चेहरे के साथ शायद वो कामयाबी हासिल ना कर पाए जो हम करना चाहते हैं, और इसीलिए नायब सिंह सैनी को वहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी और नायब सिंह सैनी ने ये जीत हासिल की है। न सिर्फ ये कि अपनी सीट बल्कि उन्होंने जीत को नेतृत्व भी दिया है और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो इसका श्रेय उनको भी जाएगा। गिरिराज सिंह बीजेपी के कदावर नेता कुछ कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी आ चुका, एक अकेला सब प्रभारी नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जी को कोटिशत धन्यवाद देता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत सत नमन। और जाहिर है कि ये जो जीत है केवल भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जीत नहीं है, नायब सिंह सैनी की जीत नहीं है, ये जीत नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने हमेशा ही नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है और ये विश्वास और भी आज गाढ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे जो हवा चल रही थी उसमें लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल है और लगातार यही प्रचार प्रसार भी हो रहा था और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी कमोवेश इसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन नायब सिंह सैनी का ये 56 दिवस का जो कार्य रहा तो वो आंकड़ा शायद 56 तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये जो 56 दिन है तो जो भी सरकार की 9.5 साल में एंटी इनकंपेंसी फैक्टर रहा उसको नायब सिंह सैनी ने सेटल डाउन कर दिया और जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर और नायब सिंह सैनी पर, क्योंकि उनको घोषित चेहरा बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये उन्होंने हासिल किया है और इसका जो श्रेय है वो जाता है नायब सिंह सैनी को।
जी बिल्कुल। तो नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ ये कि जीत हासिल की, अपनी सीट भी जीते लाडवा और पूरे तौर पर अब हरियाणा की जीत दिलाने में, हरियाणा को बीजेपी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने में हरियाणा में नायब सिंह सैनी का बड़ा किरदार है, इसे माना जाएगा। सर मुझे यहाँ पर ये मुकेश जी याद आ रहा है उनका डायलॉग था कि ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी, वो अक्सर ये बात कहते थे। तो क्या ये उनकी बातों की सच्चाई परिलक्षित यहां हो रही है? क्या जो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था ये कहकर के बापू बेटा उनका बड़ा चर्चित था, ये वर्ड यूज करते थे, तो क्या ये बिल्कुल सच साबित हो गया? देखिए नायब सिंह सैनी जो हैं ये एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो इनके करियर की शुरुआत हुई है वो टाइपिस्ट के तौर पर, जो इनका रोहतक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होता था तो वहाँ पे इन्होंने टाइपिस्ट के तौर पर अपना भारतीय जनता पार्टी में करियर शुरू किया था और धीरे धीरे ये मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ रहे लगातार, इसमें फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे, सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, 56 दिन इनको मिले क्योंकि जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव थे, उसकी आचार संहिता लग गई, फिर वो आचार संहिता खत्म हुई तो हरियाणा के जो चुनाव थे वो डिक्लेयर हो गए। तो कुल मिलाकर जो इनका कार्यकाल रहा 56 दिन का रहा और ये जो 56 का आंकड़ा था इनके लिए लक्की साबित हुआ, अब यही देख के लगता है। और जो बातें कही जा रही थी उन बातों को भी आप उसको कॉन्फिडेंस मानिए, विश्वास मानिए कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, जी अर्जुन मेघवाल जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए पहले उसके लिए हम आए हैं। अब जो आपने दूसरा एक सवाल पूछा है और दो राज्यों के आज रिजल्ट का भी दिन है और हरियाणा में तो अब लग रहा है स्पष्ट कि हम एक मजबूत सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर मजबूत सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है, अब लग रहा है, अभी भी अनुमान ही है लेकिन लग रहा है, स्पष्ट ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट भी, वहाँ क्या है कि विधानसभाओं में जैसे मतदाताओं की संख्या कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 70,000 है, तो मार्जिन भी क्लोज रहता है। तो अभी थोड़ा उनका रिजल्ट पूरा आने दीजिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है ऐसा हमें अभी भी अनुमान लगता है। सर क्या लगता है इन चुनाव के नतीजे आए हैं उनका इम्पैक्ट महाराष्ट्र? गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये दो ही एजेंडे चलने वाले हैं जी पूरे देश में, यहाँ भी वही चलेगा। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो करेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप देखना आगे रहेगी। मैंने कहा ना डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये दो ही विषय हैं जी। तो आप देखिए मनमोहन भड़ाना जीत चुके हैं अपनी सीट समालखा से। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के खाते में एक और जीत, मनमोहन भड़ाना समालखा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत का परचम गा दिया है। मनमोहन भड़ाना तो इस तरह से जो 51 का जो टैली है, आप नीचे 51 की टैली दिखा रहे हैं, वो लगातार अब जीत में कन्वर्ट हो रही है, जीत में बदल रही है। अब इस जीत के साथ बीजेपी के सीट के आंकड़े जो है, जीत के आंकड़े वो बढ़ गए हैं। कांग्रेस की जो जीत थी वो 10 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। तो इस तरह से, और एक और पानीपत से भी आपको अपडेट दे रहे हैं, पानीपत से ये देखिए ये आंकड़ा अभी जो आ रहा है, प्रमोद कुमार विज ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पानीपत शहर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से प्रमोद कुमार विज इन्होंने जीत का परचम फहरा दिया है। प्रमोद कुमार विज पानीपत शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। तो लगातार जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो टैली थी वो अब जीत में बदलती जा रही है, अब टैली लगातार सिर्फ टैली रुझान की नहीं रही, अब मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में शायद बहुत ज्यादा से ज्यादा ये चीजें बदल सकती है। हालांकि अभी भी दिल थाम कर रहना है जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें, चूंकि ये नतीजे बदल रहे हैं। मुकेश जी ये बीजेपी की अब ये मान के चले कि ये लगभग जीत पक्की है, ये जो 40-11 बिल्कुल रामकुमार अच्छा। गौतम भी जीत गए हैं, ये सूचना भी अपने दर्शकों को दे दें और सफीदों से ये उम्मीदवार थे और रामकुमार गौतम जो है ये INLD से, माफ कीजिएगा, JJP से चुनाव जीते थे और लगातार दुष्यंत चौटाला को उन्हीं की पार्टी में रहते हुए कोसते रहते थे। फारूक अब्दुल्ला जी एनसी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला सबको पता है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब संबोधित करते हुए, और अब आपको अगली खबर जो हम दे रहे हैं, महिपाल ढांडा पानीपत से ग्रामीण से चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिपाल ढांडा भी चुनाव जीत चुके हैं, यानी बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के खाते में एक और जीत आ चुकी है। महिपाल ढांडा चुनाव जीत चुके हैं। ये देखिए तस्वीर आप इस वक्त महिपाल ढांडा की, ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बीजेपी ने यह शानदार जीत हासिल की है। तो ये शानदार इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार अब आंकड़े जो है, जो रुझान थे, वो जीत में बदलते जा रहे हैं। और हिसार से सावित्री जिंदल भी जीत चुकी है। जी ओके, सावित्री जिंदल जैसा आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी महिला उद्योगपति हैं, नवीन जिंदल की माता जी हैं, और इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट मांग रही थी, तो बड़ी जीत है। और कमल गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार थे जी, वो चुनाव हार गए, उनका काफी विरोध भी चल रहा था, तो इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। एक जाना पहचाना और बड़ा औद्योगिक घराने के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। हालांकि आप उम्र देखिए, लेकिन इस उम्र में भी ये चुनाव लड़ना और जीत जाना एक बड़ी बात है। और अदर्स के जो आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे थे, अदर्स में एक जीत अब इस तरह से सावित्री जिंदल की, वहां पर आप देखेंगे टैली में, अदर्स की टैली में एक जीत जो है वो सावित्री जिंदल की जीत है। और जैसा मुकेश ने बताया कि एक बड़ा औद्योगिक घराना, ये कहा भी जाता है कि सबसे अगर अमीर महिला है औद्योगिक घराने में, तो वो सावित्री जिंदल का नाम आता है, और उन्होंने ये जीत हासिल की है। और इस तरह से ये इंडिपेंडेंट का एक पहला खाता जीत की शक्ल में यहां पर खुल गया है। और बीजेपी के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के जो रुझान थे, जिन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे बढ़ रहे थे, वो अब न सिर्फ आगे बल्कि जीत उनमें जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जो आंकड़ा बीजेपी का है, बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का, वो 12 तक पहुंच गया है। बीजेपी के कुल 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है हरियाणा में, और बाकी जो सीटें हैं 38 सीटें, उसमें अभी लीड करें, बल्कि अब ये जीत 13 तक पहुंच गई है, 12 ही नहीं बल्कि 13। मुकेश जी, मैं इस पर एक यहां पर साफ से ये जानना चाहूंगा कि क्या माना जाए कि हरियाणा में खासतौर से आयाराम गयाराम बड़ा फेमस था, और वहां से हर बार ये देखा जाता था कोई ना कोई आयाराम गयाराम जैसा बनता था, कोई ना कोई ऐसी पार्टी होती थी जो चुनाव से पहले स्टैंड कुछ होता था, चुनाव के बाद वो किसी दूसरे दल के साथ चली जाती थी अप्रत्याशित तौर पर। लेकिन इस बार लगता है कि मैंडेट जैसा आया है, उसने इस ये जो नैरेटिव है या इस तरह का जो खेल है सियासी, उसको लगता है एक तरह से रसातल पहुंचा दिया। बिल्कुल, आयाराम गयाराम की जो आप बात बोल रहे हैं, तो उनका नाम गयाराम था जी, और गयाराम के जो सपुत्र हैं इस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। तो ये वाली जो कथा शुरू हुई है, एक दिन में उन्होंने तीन पार्टियां बदली थी, और इसलिए इसका नाम आया राम और गया। और शक्ति रानी का भी एक अपडेट आ गया, दे दो बीजेपी के खाते में इस वक्त एक और जीत, शक्ति रानी शर्मा। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये आगे चल रही है, लेकिन अभी आगे नहीं बल्कि आगे चलते चलते इन्होंने जीत का परचम गाड़ दिया, जीत का झंडा गाड़ दिया। शर्मा जो है वो अंबाला की मेयर थी, और विनोद शर्मा जो एक वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में, उनकी ये पत्नी हैं, और कार्तिक शर्मा जो सांसद हैं उनकी ये माता जी हैं। और अंबाला छोड़ के इनको कालका से टिकट दिया गया था, और अब ये जीत गए। और एक और जीत, एक और जीत, कृष्ण लाल पवार इसराना से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। कृष्ण लाल पवार इसराना विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी की लगातार अब जीत पर जीत, जीत पर जीत, यानी कि जो ट्रेंड था, क्या अब ये माना जाए कि जो रुझान है वही नतीजा बन जाएगा। और चंद्रमोहन पंचकुला से जीते हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भजन लाल के बेटे हैं।
इन्होंने जो मौजूदा सीटिंग स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी उनको हराया। तो क्या ये सेटबैक माना जाए ज्ञानचंद गुप्ता के लिए, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि मोदी साहब के वो पुराने मित्र हैं, खट्टर साहब के भी बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनकी बात करें तो ये भजन लाल के बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं जी। और आपको याद होगा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, इन्होंने धर्म चेंज करके ये चांद मोहम्मद बन गए थे और अनुराधा नाम की महिला से शादी कर ली थी जो बाद में फिजा बन गई थी, लेकिन अब वापस से चंद्रमोहन बन चुके हैं। और पंचकुला जो शहर है, जैसे दिल्ली का NCR है, वैसे चंडीगढ़ का जो शहर है उसको बसाने का श्रेय इनके पिताजी को। एक और जीत की राड़ भेरी, ये मुझे लगता है इसमें कुछ तस्वीर सही नहीं आ पा रही है, देखिए लेकिन बेटीवाल जीते हैं, लेकिन इसमें जो तस्वीर दिख रही है वो चंद्रमोहन साहब की दिख रही है, एलनाबाद से जीते हैं। एलनाबाद से क्या मायने हुए कि अभय चौटाला चुनाव हार गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। INLD को एक बहुत बड़ा झटका, INLD इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला चुनाव हार गए। अब आप ये देखिए कि INLD जिस ये अभय चौटाला ही है जिन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और ये हम बताएंगे कि किस तरह से हम सरकार बनाने जा रहे हैं या हमारी मदद से सरकार बनेगी, वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं जी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अभय चौटाला जो है वो बड़े मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। इस वक्त की एक अहम खबर, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई, अमित शाह ने जीत की बधाई दी है नायब सिंह सैनी को, चूंकि नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट लाडवा जीत ली है उस पर बधाई। हालांकि हरियाणा में भी बीजेपी के प्रदर्शन जो है वो भी जबरदस्त है, उस पर भी अमित शाह ने बधाई दी है। नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में प्रेस वार्ता भी करेंगे, ये भी आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत की बधाई दी है, और ये जो जीत की बधाई है केवल उनकी जीत की बधाई नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया। 56 दिन का जो उनका कार्यकाल था, उन 56 दिनों में जो जितनी भी एंटी इनकम्पेंसी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर या उनके किसी नेता को लेकर, उसको काफी हद तक ना केवल कम किया है बल्कि जो अपना ग्राफ है वो बढ़ाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार चुनाव में 40 सीट्स पर विजय हुई थी और उनको JJP का समर्थन लेके सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसका श्रेय नायब सैनी को जाता है और इसी की बधाई अमित शाह उनको दे रहे हैं जी। अब मुकेश जी, मैं अगर जरा मुद्दों की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को यह जीत दिलाई है? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का स्टाइल है वो दूसरी पार्टी से अलग है। बहुत सारे काम ऐसे किए जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया, जैसे शुरुआत में हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फरमान जारी किया कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही पंचायत में सरपंच बन सकते हैं, इसका काफी विरोध हुआ। पता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। रणदीप जी, आदित्य ने जिस तरह से आदित्य उतरे, रणदीप ही लड़ रहे थे, रणदीप के टिप्स काम आ रहे थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्या इस बार अलग रहा कि कैथल में कांग्रेस की झोली में सीट गई? और दूसरी बात, जो ट्रेंड आ रहे हैं शुरुआत में कुछ थे, फिलहाल बीजेपी फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, परिणाम आएंगे तो उस पर टिप्पणी फिर करेंगे देखकर। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, पहले पूरे नतीजे आने दें। जहां तक कैथल का प्रश्न है, नतीजे साफ हैं, कैथल की 4 विधानसभा। प्रजेवाला ने कि थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। मुकेश सर, कैसे देख रहे हैं आप जो अभी जिस तरह से रुझान अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने शायद बहुत जल्दी कर दी जश्न मनाने में। बिल्कुल, एक शेर भी इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि जिसमें ये लाइन है कि अपने चेहरे के किसे दाग दिखाई देते हैं,
वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो सुबह से लड्डू बांट रही थी, बैंड बाजे के साथ ढोल बजा रही थी, लेकिन अब जो उम्मीद है वो यही है कि जो लास्ट वाले राउंड चल रहे हैं उसमें कुछ फेरबदल हो जाए। तो उसको घुमा के अगर कहें तो रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे थे, लेकिन लगातार जो कांग्रेस थी वो पूरे तरीके से इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हावी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो चुनाव के नतीजे निकले हैं इसमें साफ हो गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल जी, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस का जो उनको एक गुरूर हो गया था कि हम ये जीत ही जाएंगे, शायद एंटी इनकमेंसी है दो टेन्यूअर्स की बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरह का जो फीडबैक दिया जा रहा था राहुल गांधी या बिल्कुल सर, इस वक्त फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारी बात सुनी और उस पे एतमाद किया, मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज है उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे, कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेट रूट जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी, मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। यहाँ पर कही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर है और साफ स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। तेजिंदर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ही समझते हैं कि सीएम कैंडिडेट यहाँ पर है, आप कैसे देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए जैस्मिन, ये डे वन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटेजी जो थी ये क्लियर थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलती है, इस कोलिशन इस अलायंस को बहुमत मिलती है, तो उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन देखिए विद इन दी पार्टी कुछ ऐसी आवाजें हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ये कहा था कि वो असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं जो एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को कि ये कह रहे थे कि एक ग्लोरीफाइड मेयर होगा। तो अभी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर से कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ और नाम प्रस्ताव किए, लेकिन अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के जो वालिद हैं उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी यही दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है। सीटें जो बीजेपी ने जीती है इस वक्त आप देख रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा गोहाना से, मुकेश जी कैसे देख रहे हैं बीजेपी के जो नतीजे आ रहे हैं इस वक्त? देखिए अरविंद कुमार शर्मा वही सच हैं जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। अब गोहाना से इनको टिकट दी विधायक के तौर पर, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक बार दीपेंद्र हुड्डा को हरा भी चुके हैं, जो बड़ी बात है क्योंकि रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार नहीं जीत पाए थे तो यहाँ पर उन्होंने अपनी महम से भी नतीजे सामने आए। बलराम डांगी महम से जीत चुके हैं और कांग्रेस की झोली में एक और सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है महम की। बिल्कुल महम भी बिल्कुल जो साथ लगता इलाका है, रोहतक के ही साथ लगता इलाका है और जाट बाहुल इलाका इसको कहा जाता है, और यहाँ पर जो बलराम डांगी ने अपनी जीत हासिल की है इसको बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि महम जो है वो हरियाणा की पॉलिटिक्स का हमेशा से ही एक सेंटर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बलराम डांगी जीत चुके हैं महम से और लगातार जिस तरह से अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये रुझान बिल्कुल, तो रणदीप परिहार आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नलवा से जीत चुके हैं।
मैच करिए, नलवा के बारे में क्या कहेंगे सर रणधीर पनिहार? बिल्कुल, ये जीत लग रहा था कि ये वाली सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले से लेकर इसका अंदाजा था, लेकिन अब क्योंकि घोषित हो चुकी है तो नलवा साहब को भी बधाई के पात्र है। बिल्कुल, तो लगातार ये नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील होने शुरू हो चुके हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीजेपी अभी तक 90 में से 15 सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस 2 सीटें पीछे 13 जीत चुकी है। जेजेपी और इनेलो को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, जेजेपी तो नहीं लगता सर अभी कोई सीट निकाल पाएगी, लेकिन INLD क्योंकि एलेनाबाद की सीट से एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं इनेलो को है। एलेनाबाद का जो नतीजा है वो आ चुका है और उसमें अभय चौटाला की हार हो चुकी है, तो एलनाबाद से अभय चौटाला हारे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि अक्सर जो उनका चुनाव होता है वो जीतते रहे हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा भी दिया था अपने पद से, फिर वो दोबारा से चुनाव लड़े थे, दोबारा से MLA बने थे और इनेलो से एकमात्र वही थे जो विधानसभा पहुंचे थे, तो उनकी हार अब हो चुकी है। लेकिन ये जो 2 सीटें हैं इनमें एक शायद उनके जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला वो है और दूसरी के बारे में थोड़ा सा अभी हम और इन्फॉर्मेशन लेके अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन एलनाबाद से अभय चौटाला की हार हो चुकी है, ये एक बड़ी खबर के तौर पर है। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में अच्छा नहीं कर पाएगी, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर भी टीका टिप्पणी की जा रही थी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। अभी से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, 15 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, 13 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन अभी से बधाई यहां पर देनी एक दूसरे को शुरू हो चुकी है, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए था? नहीं, अब क्योंकि ये शुरुआती दौर नहीं है, अब जो EVM है वो अंतिम दौर में है, मतलब जो राउंड्स हैं वो तकरीबन पूरे होने की कगार पे हैं और क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो इसमें जो वोट्स का जो मार्जिन रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता और जब वोट काउंट कर लिए जाते हैं कि कुल कितने वोट गिरे थे और कुल कितने वोट जो है काउंट हो चुके हैं, तो उसको लेकर एक अंदाज़ा बन जाता है जिसके चलते अब क्योंकि परिणाम भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शायद इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वो जश्न मना सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर जश्न मनना शुरू हो चुका है और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से अब ये रुझान नतीजे में बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन जो नजर आ रहा था तेजेंद्र जी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और बहुत कम समय रह गया है जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए जसमीन, बिल्कुल सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनके बेटे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रही बात अब देखिए इस इलेक्शन की, कई बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा था कि बड़ा उलटफेर करेंगे, कई बड़े चेहरे हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना अपनी नौशहरा वाली सीट हार चुके हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जीत चुके हैं। एक और नया उलटफेर जम्मू कश्मीर में यह हुआ है कि डोडा सीट पे आम आदमी पार्टी पहली बार अपना खाता उन्होंने जम्मू कश्मीर में खोला है और जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ पार्टियां नई उभर के आई थी, जैसे अपनी पार्टी अभी तक वो कोई खाता नहीं खोल सकी और अपनी पार्टी के जो सदर हैं अल्ताफ बुखारी वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। तेजेंद्र जी, एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है जब इसको लेकर हम पहले भी बात करते, डोडा की सीट, आम आदमी पार्टी डोडा की सीट निकाल कर ले गई, ये कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए भी बाकी सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी बात है। देखिए जसमीन, एक चीज को हमें ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी वो झोंक सकते थे और हो सकता है कि कुछ और नतीजे उनके फेवर में आ जाते। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के कुछ ही दिनों में अपने वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको फिर से एक्टिवेट किया था, लेकिन उसका नतीजा उन्हें सामने मिला। आज हमने खास चीज जो देखी वो थी कि सबसे पहले महिलाएं वहां पर जश्न मनाने के लिए पहुंची थी, एक तो उसके बारे में हम अपना जानना चाहेंगे और दूसरे ये नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? सर ये जो है प्रेडिक्ट तो पहले ही हो चुका था कहीं ना कहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ही जो है ऐसे नंबर्स लेकर आएगी और वही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वजह से भी, क्योंकि कश्मीर में वो एतमाद अभी भी भरोसा जो है लोगों को रहा, क्योंकि PDP वो भरोसा तोड़ चुकी
अगर हम कश्मीरी लोगों के हिसाब से देखें तो, क्योंकि अलायंस में जब 2014 में आई वो अलायंस नहीं बन पाया, 2018 में वो अलायंस टूट गया, उसके बाद से ही पीडीपी पर जो लोगों का भरोसा था वो टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी मजबूती से आ पाई क्योंकि जो नई पार्टियां आई थी उभर कर उन्हें बीजेपी की एबीसी टीम करार दे दिया गया, तो वो प्रॉक्सी पार्टी उन पर लेबल लगना भारी पड़ गया और इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। कांग्रेस हालांकि जम्मू में और बेहतर कर सकती थी सोरी जी, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन जो हमने अब से कुछ देर पहले भी मैं उससे उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, जो फारूक अब्दुल्ला का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत, जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं, जो लोग जेलों में बंद है, क्या आपको ये आयरोनिक स्टेटमेंट लगा? देखिए, पहले तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि मुकेश जी, बीजेपी का के बारे में जो सोचा जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी बुरे हालात होंगे, बीजेपी की वैसे बुरे हालात नहीं हुए। 24 सीटें अभी तक बीजेपी जीत चुकी है, 5 सीटों पे लीड बरकरार रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं 28 से 29 सीटें जो है वो बीजेपी के जी 25 थी, हाँ 25 इजाफा हुआ, तो इसका इजाफा हुआ 4 सीटें, क्योंकि जब अभी पूरा डेटा सामने आएगा तो कहां से उन्हें सीटें मिली हैं, कहां से वो हारे हैं, लेकिन बीजेपी उतना बुरा नहीं कर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो बाकी सीट्स हैं इनको भी मैं समझना चाहूंगा, मैं बार बार बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो पिछले 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस में स्प्लिट क्या है? मैं मुकेश जी, देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो सीटें निकाली हैं वो प्रीडोमिनेंटली कश्मीर रीजन से निकाली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर सीटें जो हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में एक रीजनल डिवाइड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू जो है, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट वो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं और कश्मीर जो है वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। अगर आप देखेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह का आज जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे जो जम्मू रीजन का मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिली है। कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है ही, क्योंकि बीजेपी का कोई भी खाता वहां नहीं खुला। जो आपके पास बीजेपी की अभी तक 24 सीटें हैं और 5 पे जो लीड बनाए हुए हैं वो जम्मू का वो हिंदू मेजोरिटी एरिया है। और आप इसमें एक और चीज देखें, जम्मू के कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस में रहे हैं, चौधरी लाल सिंह हुए, वो अपनी सीट हार चुके हैं। रमन भल्ला, जिन्हें एक कद्दावर नेता माना जाता था जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो भी सीट हार चुके हैं। और पहली बार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं लेकिन पहली बार वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने एक बड़े लीडर रमन भल्ला को हरा के वो सीट, आरएसपुरा वाली सीट जीत ली है। बाकी जो आप देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जब ये सरकार बनेगी, जो सरकार की फॉर्मेशन होगी उसमें जम्मू की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जो सीटें आई हैं वो कश्मीर घाटी से हैं और जम्मू ने वोट किया है बीजेपी के लिए, तो जब वो सरकार बनती है क्या वो जम्मू को उनका जो ड्यू है वो दे पाएगी, कि जम्मू का जो शुरू से ग्रीवांस रहा है कि जम्मू को इग्नोर किया जाता है? मैं आपसे पूछता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि क्या उसको ये जो सरकार है हल कर पाएगी। इसीलिए जैसे मुनाजा ने भी कहा और सर इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये कहना कि जम्मू रीजन में कांग्रेस जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती थी कांग्रेस ने वो नहीं किया। अगर कांग्रेस इतनी सीटें जम्मू रीजन में 11 सीटें कांग्रेस निकाल पाई है वो भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पे, कांग्रेस ने वहां पर सीटें जीतने में कहीं ना कहीं। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मुनाजा ने एक सवाल पूछा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पे, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी और ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पे भी रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे पूरे देश की नजर रहती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि जो जेल में बंद लोग हैं, देखिए जेल में कौन है बंद, जेल में पत्थरबाज बंद हैं, जेल में आतंकवादी बंद हैं, और इनका मैनिफेस्टो भी यही कह रहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो उन लोगों को जेल से रिहा करेंगे। अब ये रिहा करने का तरीका क्या होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि रैंडमली सबको रिहा कर दिया जाएगा और उसका असर जम्मू कश्मीर पे क्या होगा? इंटरव्यूज मैंने इनके देखे हैं किसी भी जगह पर या पढ़े हैं, तो उसमें इनका जो मुख्य मुद्दा यही रहता था कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है और जब हम आएंगे तो उनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसमें माइनर्स भी काफी रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी रहे हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो वो एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा हमने कश्मीर डिवीजन में रीजनल पार्टीज का देखा है। इस वजह से भी वो लोगों तक, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इमोशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो काफी ज्यादा कश्मीर जो कश्मीर में चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है जी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अब खुशहाली फिर से आएगी या खुशहाल है अभी,
या अभी और सर, उम्मीद तो यही है, उम्मीदें लोगों को वापस था, इसलिए तो हमने देखा कि लोगों की इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन, लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर, जो हमें पहले नहीं देखने को मिलता था वो अब देखने को मिला। तो रीजन यही है कि लोग चाहते हैं कि बेहतरी हो, बदलाव आए, खुशहाली हो, जो कि लोगों को लग रहा था कि अब नहीं है, हम शायद हमें वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाया गया है, तो अब वही उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा जैस्मिन, कि इसको आप देखिए कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, चाहे कोई भी पार्टी जीते। कश्मीर घाटी में जहां पर बायकॉट कॉल दिए जाते थे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, सेपरेटिस्ट द्वारा, और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, चीफ मिनिस्टर वहां पर 100, 200, 300 उन वोट्स लेकर वो जीत जाते थे, मेंबर पार्लियामेंट 1200-1300 वोट लेकर बन जाते थे। आज आपने देखा कि 60-70% लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, और आपने बात की महिलाओं की, महिलाएं जो नहीं निकलती थी, मुकेश जी हमने कश्मीर की कई इलेक्शंस कवर की हैं, महिलाएं नहीं निकलती थी वोट डालने के लिए, लेकिन इन तीनों फेजों में हमने देखा, चाहे जम्मू का रीजन हो चाहे कश्मीर का रीजन हो, महिलाओं की लंबी कतारें थी। तो कोई भी पार्टी की सरकार बने, बन तो अब लग यही रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन ये जीत डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहेगा, क्योंकि भाजपा अगर जम्मू से जीती है तो वो कश्मीर से जीते, विधानसभा तो एक ही है जी, तो मतलब आवाज तो उठेगी। जो से जब हम बीजेपी की आप इससे पहले बात कर रहे थे कि तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस सरकार बनाती है तो बीजेपी की क्योंकि सीटें आई हुई हैं जम्मू डिवीजन से, तो वहां की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बात सामने आ रही है, एलजी नॉमिनेट करेंगे 5 मेंबर्स को, क्या लगता है आपको अगर जो जम्मू डिवीजन से नॉमिनेट हो क्या आपको मुनजा, अगर 5 उन्होंने जो नॉमिनेट करने हैं, पहले हमें उसकी कंपोजिशन देखनी है। 2 उन्होंने नॉमिनेट करने हैं कश्मीरी पंडित, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, 2 उन्होंने नॉमिनेट करने हैं विमेन, और 1 उन्होंने नॉमिनेट करना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रेफ्यूजी हैं। ये 5 लोग जम्मू से नॉमिनेट होंगे, लेकिन क्या इन लोगों की सरकार में कोई से होगी? क्योंकि ये इन्हें देखा जाएगा कि ये बीजेपी के एलजी ने नॉमिनेट किए हैं, तो बीजेपी के लोग हैं, तो क्या इनकी सरकार, मेरा जो आप वोटिंग राइट तो होगा। देखिए जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जम्मू कश्मीर और ये डिसाइड किया गया था कि 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, तो इन्हें वोटिंग राइट मिला हुआ है, लेकिन ये सरकार का तेजेंद्र जी इस चर्चा पर हम वापस आएंगे दोबारा, लेकिन एक बार टैली पर नजर दौड़ा लेते हैं, और टैली के मुताबिक अगर देखा जाए तो बीजेपी मुकेश जी हरियाणा में जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 16 सीटें बीजेपी के झोली में अब तक आ चुकी हैं, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 13 के आसपास कांग्रेस ने अभी तक जीती है सीटें, यानी कि हरियाणा में क्या मान लिया जाए कि इतिहास रचा जा रहा है आज? बिल्कुल, इतिहास इस दृष्टि से रचा जा रहा है कि हरियाणा में 3 बार लगातार कोई भी सरकार नहीं रही है, और ये जो आंकड़ा अब 32 का जो लीड में और 16 का जीत में दिखा रहे हैं, तो ये 48 का आंकड़ा आ गया। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो 47 का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें से 24 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है और 13 पर जीत हासिल कर चुकी है, और कुल मिलाकर क्योंकि 90 सीट्स हैं तो 46 का आंकड़ा चाहिए होता है, और इन्हीं आंकड़ों को और हम सुलझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के दौरान जो तमाम चीज़ें हैं उसको और अच्छे से दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।